वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो पहला चैप्टर है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, फर्स्ट पेपर डाइवर्सिटी ऑफ वायरसेस बैक्टीरिया एंड फंजाई में, उसको आज हम पढ़ेंगे। जैसा हमें पता है कि वायरसेस का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, और उनको कहा माना जाता है बिकॉज दे आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक एंड ए सेलुलर। अगर स्ट्रक्चर देखें वायरस का स्ट्रक्चर, तो वायरस का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। मगर देखेंगे तो उस स्ट्रक्चर को हम दो पार्ट में पढ़ सकते हैं, फर्स्ट शेप एंड साइज एंड सेकेंड इज द केमिकल कंपोजिशन। तो अगर शेप एंड साइज देखें तो वायरसेस का जो शेप है वो बहुत वेरिएबल होता है। कुछ वायरसेस स्फेरिकल होते हैं, गोल होते हैं, फॉर एग्जांपल पोलियो वायरस। इसी प्रकार से कुछ वायरस रॉड शेप्ड होते हैं, रॉड शेप्ड वायरस में हमने पढ़ा टोबैको मोज़ेक वायरस या टीएमवी। इसी प्रकार से टैडपोल लाइक वायरसेस भी हमने पढ़े हैं या हम आगे पढ़ेंगे, तो उनका उदाहरण है बैक्टेरियोफेजेस। इसी प्रकार से हेलिकल वायरसेस, हेलिकल वायरस का उदाहरण है इन्फ्लुएंजा वायरस, और इन द लास्ट पॉलीहीड्रल वायरस। तो पॉलीहीड्रल वायरस का जो एग्जांपल है वह एडिनो वायरस। तो इस प्रकार से कुछ शेप्स हैं वायरस के डिफरेंट टाइप की। और अगर वायरस का साइज देखा है तो वायरसेस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया, यानी वायरसेस जो है बैक्टीरिया से स्मॉल होते हैं। और इनका अगर साइज को अगर मेजर किया जाए तो इनका मेजरमेंट जो है 10 nm से लेकर 300 nm तक होता है, यानी 10 nm से 300 nm तक होता है। जो सबसे स्मॉलेस्ट वायरस है वो है फूट एंड माउथ डिजीज वायरस, जो जानवरों में खुरपका मुंहपका रोग होता है, यानी फूट एंड माउथ डिजीज। वो वायरस जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट है, उसका साइज 10 nm है। और जबकि स्मॉल पॉक्स वायरस जो है वो 300 nm यानी 300 nm का होता है, वो लार्जेस्ट वायरस है। अगर प्लांट वायरसेस और एनिमल वायरसेस को आपस में कंपेयर करें तो प्लांट वायरसेस जनरली एनिमल वायरसेस से छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं। तो ये है शेप एंड साइज। अब हम आगे पढ़ते हैं केमिकल स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ वायरस, तो सेकंड पार्ट है। तो अगर केमिकल कंपोजिशन अगर वायरस का देखें तो वायरसेस बहुत सिंपल स्ट्रक्चर में होते हैं। और अगर वायरस की यूनिट देखें तो वायरस की यूनिट है वायरियन, यानी हम कह सकते हैं कि एक वायरस बहुत सारे वायरियन से मिलकर बना होता है। तो अगर एक वायरियन में देखें, यानी वायरस में देखें, तो दो पार्ट हैं केमिकली। तो फर्स्ट इज द न्यूक्लिक एसिड एंड सेकंड इज द प्रोटीन कोट। तो जो न्यूक्लिक एसिड है वो सेंट्रल पार्ट होता है, यानी वायरस के सेंटर में पाया जाता है, वो बनाता है कोर। और जो सेकंड पार्ट है वो कोर के चारों तरफ कवरिंग है, वो कोट है, और उसको कैप्सिड भी कहा जाता है। तो दो पार्ट हैं वायरस के केमिकल कंपोजिशन में, कोर एंड कैप्सिड। कोर बना हुआ है न्यूक्लिक एसिड का और कैप्सिड बना होता है प्रोटीन का। तो इस प्रकार से अगर हम न्यूक्लिक एसिड देखें तो फर्स्ट पार्ट इज द न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड वायरियन ऑलवेज कॉन्टेन ओनली वन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, आइदर डीएनए और आरएनए। तो जो न्यूक्लिक एसिड वायरस के अंदर पाया जाता है, तो एक टाइम में एक वायरस में एक ही टाइप का न्यूक्लिक एसिड आइदर डीएनए और आरएनए पाया जाता है। दोनों डीएनए अथवा आरएनए एक साथ एक वायरस में नहीं मिलते हैं। तो प्लांट वायरसेस में क्या होता है, अगर प्लांट वायरसेस में देखें तो दे कॉन्टेन सिंगल और डबल स्टैंडर्ड डीएनए और सिंगल और डबल स्टैंडर्ड आरएनए। यानी जो प्लांट वायरसेस है उसमें सिंगल या डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है, और इसी प्रकार से आरएनए भी सिंगल या डबल स्टैंडर्ड हो सकता है। और जबकि इसके विपरीत जो एनिमल वायरसेस हैं, तो एनिमल वायरसेस में जो डीएनए होता है वो सिंगल या डबल स्टैंडर्ड हो सकता है, बट आरएनए हमेशा सिंगल स्टैंडर्ड ही होता है। तो एक कंपेरिजन है न्यूक्लिक एसिड के बेस पर। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है न्यूक्लिक एसिड के साथ है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जेनेटिक मटेरियल है वायरस का, और जो वायरस की डिजीज कॉजिंग प्रॉपर्टी है वो इसी न्यूक्लिक एसिड में कन्फाइंड रहती है। यानी हम कह सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड के कारण ही वायरस डिजीज काज कर सकता है या इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। अगर न्यूक्लिक एसिड्स में ना हो तो वो डिजीज भी कॉज
नहीं कर सकता, इन्फेक्शन भी कॉज नहीं कर सकता। तो वायरस का जो न्यूक्लिक एसिड है जो हमने पढ़ा, तो दूसरा पार्ट है दैट इज प्रोटीन कोट और कैप्सिड, जो न्यूक्लिक एसिड के कोर के सराउंडिंग जो प्रोटीन का कोट है उसको कैप्सिड कहा था। प्रोटीन कोट यानी कैप्सिड भी कई सारी छोटी छोटी प्रोटीन सब यूनिट्स से मिलकर बना हुआ है। बहुत सारी प्रोटीन सब यूनिट्स मिलकर कैप्सिड बनाती हैं और इन सब यूनिट को ही कैप्सोमियर्स कहते हैं। कैप्सोमियर्स की संख्या एक वायरियन में कुछ भी हो सकती है, कुछ में वो डिपेंड करता है उसके शेप एंड साइज पर। कैप्सोमियर्स आर कंपोज्ड ऑफ आइदर वन और मेनी टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। तो जो कैप्सोमियर है उसमें जो प्रोटीन कंपोनेंट है वो भी एक टाइप का या कई अलग टाइप का हो सकता है। जो वायरस की होस्ट स्पेसिफिसिटी है वो इसी प्रोटीन की कैप्सिड के कारण होती है, क्योंकि वायरस क्या होता है हमें पता है कि वायरस दे आर होस्ट स्पेसिफिक, क्योंकि हर वायरस हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिजीज काज नहीं कर सकता, वो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। हर वायरस का अपना अलग होस्ट है, तो होस्ट की स्पेसिफिसिटी यानी किस होस्ट में उसको डिजीज काज करनी है, इन्फेक्शन कॉज करना है, वो डिटरमाइन करता है ये प्रोटीन कोड। ये प्रोटीन का काम है होस्ट का होस्ट स्पेसिफिसिटी को डिटरमाइन करना या होस्ट स्पेसिफिसिटी को रिटेन रखना। वायरियंस में कैप्सोमियर्स जो सब यूनिट्स हैं वो एक स्पेसिफिक मैनर में अरेंज होती हैं, और स्पेसिफिक मैनर में अरेंज होने के कारण ही वायरस को एक डेफिनेट शेप एंड साइज मिलता है। तो कैप्सोमियर्स का अरेंजमेंट एक स्पेसिफिक है और उसके कारण वायरस का शेप भी स्पेसिफिक होता है। सम लार्ज वायरस हैव एडिशनल कवरिंग ऑफ लिपिड्स आउटसाइड द कैप्सिड, हेंस कॉल्ड एनवेलप्ड वायरसेस। कुछ वायरसेस में क्या होता है कि कैप्सिड के बाहर भी एक लिपिड की एक एडिशनल कवरिंग पाई जाती है, वो एडिशनल कवरिंग है कैप्सिड के अलावा कवरिंग है, और वो हर वायरस के अंदर नहीं होती। जिन वायरसेस में यह कवरिंग पाई जाती है उनको एनवेलप्ड वायरस कहते हैं, और उसका उदाहरण है इन्फ्लुएंजा वायरस। जबकि बहुत सारे ऐसे वायरसेस हैं जिनमें इस प्रकार की कोई एडिशनल कवरिंग नहीं पाई जाती। जिन वायरसेस में ये लिपिड की एडिशनल कवरिंग नहीं पाई जाती उनको नेकेड वायरस कहा जाता है, और उसका उदाहरण है बहुत कॉमन उदाहरण है दैट इज टोबैको मोज़ेक वायरस या TMB। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रोटीन कोट एंड न्यूक्लिक एसिड कोर, दो पार्ट कोर एंड कैप्सिड। अगर हम जनरल स्ट्रक्चर देखें वायरस का तो इसमें बैक्टीरिया फेज को हम दिखा रहा है, बैक्टीरिया फेज का 2D और 3D थ्री डायमेंशनल टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिखा रहा है। इसमें दो पार्ट स्पष्ट है, द फर्स्ट इज द हेड एंड सेकेंड इज द टेल। इसकी हेड जो है वो इसका हेड वाला पार्ट जो है वो बना हुआ है कैप्सिड, हेड को ही कैप्सिड कहा था, वो बना होता है प्रोटीन का। और जबकि और इस हेड के भीतर यानी कैप्सिड के भीतर वायरस का जीनोम आइदर DNA अथवा RNA कंटेंट रहता है। तो दूसरा पार्ट इसका है वह टेल, एक लॉन्ग टेल है। तो हेड और टेल के बिटवीन का जो पार्ट है वो कहलाता है कॉलर। तो हेड और टेल के बीच का जो पार्ट है दैट इज कॉलर। अब अगर हम देखें जो डिफरेंट वायरसेस में है तो देखिए यहाँ पर हेड, दूसरा पार्ट टेल, और हेड और टेल को जोड़ने वाला पार्ट है दैट इज कॉलर। और टेल के एंड में बहुत सारे टेल फाइबर्स पाए जाते हैं। टेल फाइबर्स का वही काम है जो हमारे हाथों में उंगलियों को होता है। तो किसी भी बैक्टीरियोफेज को बैक्टीरिया की बैक्टीरियल सेल की सरफेस पर अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं यही टेल फाइबर्स। अब यहाँ पर एक टेबल है जिसमें डिफरेंट वायरसेस और उसमें पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप के न्यूक्लिक एसिड्स की डिटेल दी गई है। उसमें जो टू डी एन ए मतलब यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड DNA है, और 1 DNA का मतलब है सिंगल स्टैंडर्ड। इसी प्रकार से RNA भी सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड डिफरेंट डिफरेंट वायरसेस में पाए जाते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं वायरसेस और उसमें पाए जाने वाले न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। तो आज हमने पढ़ा वायरसेस का जनरल स्ट्रक्चर, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, साधारण स्ट्रक्चर, दो पार्ट मेनली, द फर्स्ट इज द न्यूक्लिक एसिड एंड सेकेंड इज द प्रोटीन कोड। तो दो पार्ट यानी न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन मिलकर ही वायरस का निर्माण करते हैं, वायरस को बनाते हैं। सो आई थिंक आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।